देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में मध्य प्रदेश शासन की आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह का आगमन हुआ, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं, अधिकारी, कर्मचारियों एवं जिले के जनता से मुलाकात के बाद जिले की जनपद पंचायत पाली के लिए रवाना हो गई एवं ग्राम पंचायत मलियागुड़ा में मनरेगा योजना के तहत संजय गांधी ताप विद्युत अस्पताल तिराहा के पास फलदार पौधे रोपित किए गए, जहां वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के मुख्य अभियंता वी के कैथवार, अधीक्षक अभियंता ऋषभ जैन, सुशील तिवारी पाली जनपद पंचायत सीईओ दीक्षा जैन, नगर निरीक्षक आर के धारिया, मलियागुड़ा सरपंच लोकनाथ सिंह, मंडल संयोजक श्रवण चतुर्वेदी ब्रजेश सिंह एवं ग्राम पंचायत के पंचगढ़ एवं ताप विद्युत केंद्र के अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। वही आदिम जाति कल्याण विभाग की मंत्री सुश्री मीना सिंह ने कहा कि वृक्षारोपण में मानव जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक ये वृक्ष उपयोगी हैं। वृक्ष प्राणदायिनी है एवं हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वही पर्यावरण का संरक्षण भी करते हैं। उन्होंने अपने जिले की जनता से अपील करते हुए कहा कि श्रावण मास में वृक्षारोपण करके उमरिया जिले को हरा भरा बनाने में सहभागी बने। प्रत्येक व्यक्ति को वृक्षारोपण करने के साथ ही उनकी सुरक्षा का भी संकल्प लेना चाहिए। वृक्षों की रक्षा जीवन की रक्षा है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबकी चिंता करते हैं। उन्होंने कोरोना संक्रमण काल में भी आम जन के हित में कई योजनाएं बनाई हैं एवं प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है। योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु वे स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हितग्राहियों से चर्चा करते हैं। उन्हीं के निर्देश पर प्रदेश के सभी मंत्रीगण प्रदेश का भ्रमण करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रवासी एवं स्थानीय लोगों को स्थायी रोजगार से जोड़ने की पहल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसी के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले लोगों को 10,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान किया गया है, जिससे लॉकडाउन के दौरान जिन फुटपाथ व्यापारियों के व्यवसाय आर्थिक अभाव के कारण शुरू नहीं हो पा रहे थे, वे अपने व्यापार को पुनः प्रारंभ कर सकें। प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। सभी लोग मेहनत करें तथा प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग प्रदान करें। प्रदेश सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है। पेश है उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। उसी तरह से एक एक वृक्ष लगा करके लोग, ये भी एक पुण्य का ही काम है, क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। अगर हम आज स्वच्छ सांस ले रहे हैं, ये पर्यावरण की वजह से है, पेड़ पौधों की वजह से है। शायद पेड़ पौधे अगर ना होते तो शायद हम सांस भी अच्छे से नहीं ले सकते। तो हमारे जीवन के लिए पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हमारी सरकार वृक्षारोपण को बहुत ध्यान देती है और हर साल जुलाई अगस्त के महीने में ये अभियान आज 15 सालों से चलाया जा रहा था। अभी 1.5 साल कांग्रेस की सरकार आ गई थी तो ये सारी योजनाओं को कांग्रेस ने बंद कर दी थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के चौथी बार आने के बाद दोबारा उन्होंने चालू किया है। तो बहुत अच्छा है, प्रदेश हरा भरा रहे, और हम सबकी जवाबदारी है कि आप सब भी पौधा लगाएं। मैं सबसे आग्रह भी करती हूँ कि आप सबके माध्यम से भी एक एक पौधा, चाहे हम अपने घर में लगाएं, चाहे अपने बाड़ी में लगाएं।